एक ही इंजन हूं रोड से चलूगा। ਲੈ ਵੇ ਇੰਜਨ ਇੰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਨੀਲ। यार ये मेरे लिए तो आफत आ गई है, रिकॉर्डिंग भेज रहा है कि गाड़ी का ग्राहक आ रहा है। गर्मी आई तो ग्राहक आ रहा है, सर्दी आई तो गाड़ी खरीदने चले जाएगा। ये भाई सामने ही हो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये है नत्था टॉप। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अफीस ब्लॉग 00। किमें हो सारे भाई, ठीक ठाक? तो रात को भाई हम आ चुके थे, यहाँ पे पहुँचे थे, नाशरी के पीछे रुके हुए थे क्योंकि कारण ये था जाम लग गया सी बहुत ही ज़्यादा। ये 144 तेल फूकना जाम के ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਸੈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਰੀ ਟਿੰਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਮਸਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਇਸ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਊ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਲਈਏ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਕੀ ਇੰਜਨ ਹੁਣ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੂਗਾ? ਲੈ ਬਈ ਇੰਜਨ ਇੰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ। ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, ये है नत्था टॉप, देख लो भाई सामने ऊपर वो ये टावर, उस साइड से भी दिखता है ये टावर, इस साइड से भी दिखता है। अभी भी नत्था टॉप में स्नो है। तो पुराना हमारा रोड हुआ करता था, मैं जायज से जायज को बोलूँगा अगर भाई दिखाना पार्ली वाला साइड जो पुराना रोड हुआ करता था पत्नी टॉप वाला वो दिखाएगा। अपने चनैनी नाशरी टंडल पे जाम नहीं है, तो अगर रात को आते तो बहुत जाम मिलना था हमको, तो इसलिए हमने लगाई थी गाड़ी साइड पे। चलो भाई साइड लगाने का सानू हो गया फायदा क्योंकि इस टाइम सानू जाम नहीं मिल रहा, राती इतना जाम सी हो गल ना पूछो। तो कर रहे हैं ये अपना चनैनी नाशरी टंडल, हो चुके अपना चनैनी नाशरी टंडल एंटर। तो लाओ नज़ारे चनैनी नाशरी टंडल से, मिलते हैं सानू हूँ अगे इन पार करके। टंडल के अंदर ना सानू ओवरटेक नहीं करना चाहिए, कुछ गड्डिया मतलब ट्राली पै के ओवरटेक कर लेंगे, पर नहीं, रूल इज अ रूल, रूल तोड़ने में टाइम भी नहीं लगता और बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। तो जिस तरह की खास करके छोटी गाड़ी वाले मतलब खड़ नहीं सकते पीछे, वो मतलब अपना तोड़न के जिस तरह के उन्हें तोड़ के जा रहा है। मतलब देखो ये बाहर के लोग हैं, चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी नहीं। चलो भाई जैसे अगर किसी ट्रक वाले ने तोड़ा होता तो उस पर स्ट्रिक एक्शन हो सकता था। करो भाई इन्हों से भी करो कार्रवाई, करते नहीं हो, अखा बंद करके सोते हो कितने टंडल वाले। चलो कोई ना, आ गए अं चनैनी टंडल दे उस पार, मतलब चनैनी वाली साइड आ गए, नाशरी वाली साइड तो आए थी तो चनैनी वाली साइड आ चुके हैं। तो सूरज देवता भी प्रकट हो चुके हैं, तो
चनैनी विच एक अपना दोस्त रहिंदा है जिहदा नाम है सुनील, जो हमेशा नाराज होता रहता है कि चनैनी का नाम लेते हैं मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो सुनील लो जी, नाराज मत होना, अब की बार ले लिया तेरा नाम मैंने। तो देखिए भाई, मस्त मस्त व्यू चनैनी का सुबह सुबह का, और दिखाएंगे हमारे चप्पे उस्ताद चनैनी का व्यू। चप्पे दसी फिर पाल ला कैमरा, दस दे फिर। आ चुके हैं अहीं सरमौली। ते सरमौली ज्यादातर जिन्ने भी अपने पत्नीटॉप कुद आले होटल सारे सरमौली आ गए हैं जी, मतलब पतीसी वाले जिन्ने भी है, क्योंकि उधरों दे गड्डी आउण कोई जांदी नहीं है टूरिस्ट तो बगैर। तकरीबन हर एक दुकान इधर आ चुकी है सरमौली। पहले सरमौली ते इन्नियां दुकानां नहीं होंदियां सी, जद का टंडल बनया उस तो बाद बहुत सारिया दुकाना जी सरमौली खुल चुकी। सरमौली मस्जिद रोकांगे असी किसी दुकान ते, पियांगे नमकीन चाह। पीनी है चाह? पीनी है? बोलदा नहीं गुंगा? नहीं भी नहीं रहन दे फिर, नहीं भी, क्योंकि तकरीबन गड्डियां इत्थे रुकी हुई ना चाह पीने वास्ते, छोटियां गड्डियां। ते अहीं भी रुकांगे किते चंगी जी दुकान ते, फिर रश ना होगा, शायद हो या ना शायद मिठी चाह पीनी हो। मार्शल गाना करा गे लगता है मेनू यह काम, कोई ना काका पड़ी जानी चोरी तेरी भी। ते देख रहे हैं अहीं कोई दुकान चाह पीने वास्ते, कि छोटिया गड्डिया का ज्यादातर पैसेंजर गड्डिया का बहुत ज्यादा रश है। ये देखो जी प्रेम स्वीट शॉप, ये भी इधर आ चुकी है, देख सकते हो तुम। और रश देखो किन्ना है सवेरे सवेरे, कमाई देखो किन्नी है, रश नहीं देखो कमाई देखो किन्नी है। चलो जी पीने चाह। रुके थे हम जहाँ पे चाय पीने के लिए मलीनाला में, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे कैंटर गाड़ी वाले, तो अभी मिलाते भी हैं हम आपसे उनको थोड़ी देर में, उधमपुर पार करके वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो सभी गाड़ियां यहाँ पे रात को रुकी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, क्योंकि कितनी गाड़ी बंदा नींद में चला सकता है। तो चलो भाई, ये है पंप सामने, और एक बात पंप एक और खुल गया है भाई। पहुंच चुके हैं हम जखैनी उधमपुर में, तो यहाँ पे करेंगे किसी ट्रांसपोर्ट में मालूम कहीं का माल, तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। भाई पहुंच चुके हैं हम लोग उधमपुर, तो जहाँ हमें आया एक भाई मिलने, ये तो हमें मिल गए थे पता नहीं उधर चनैनी में, तो ये आए छोटू हमसे मिलने। इनको ट्रकों का बहुत ज्यादा शौक है, इंटरेस्ट रखते हैं ये ट्रकों में, पर इनको मैंने एक ही बात बोली है कि भाई ट्रकों में ज्यादा शौक मत रखें, ड्राइविंग में कुछ नहीं है, सिर्फ गालियां पड़ती हैं हमें रोड पे और कुछ नहीं है। तो नाम क्या है आपका? वंश। मतलब व्लॉगिंग के शौकीन है, हर टाइम देखते हैं व्लॉगिंग, हर एक की देखते हैं, मतलब जितने भी हमारे जम्मू के व्लॉगर हैं। तो यही बात कहूंगा मैं आपको बार बार कि ड्राइविंग में नहीं आना बस, बाकी शौक रखो कोई टेंशन की बात नहीं है, व्लॉगिंग करो तब भी कोई बात नहीं है, पर ट्रकों में ड्राइविंग पर मत आना, ये याद रखना मेरी बात, नहीं तो बाद में पछताओगे, मेरी बात याद आएगी आपको। एक कभी इनसे बातें भाई को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करें, भाई बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो करते हैं भाई
इनसे ढेर सारी बातें, फिर उसके बाद निकलते हैं हम भी अपना कहीं लोडिंग देखते हैं उधमपुर से जहाँ तो, जहाँ फिर सांबा से जम्मू से कहीं से ही मिलती है, करेंगे लोड हम तो करेंगे अपना एक नया सफर दोबारा स्टार्ट। तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद। मैं पहुंच चुके हैं हम दुमेल, इधरों एक रास्ता जाता है मुश्ताक 9563 वाले ड्राइवर के घर को, और एक रास्ता जाता है कटरा यूनिवर्सिटी को। पिछली बार पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था हमने आपको, पर सही तरीके से दिखा नहीं पाए थे। तो यहाँ से रास्ता जाता है ये जो पुलिस से इधर को जाता है मुश्ताक के घर को, और सामने जाता है नारायणा हॉस्पिटल को, ये वाला रास्ता जाता है नारायणा हॉस्पिटल को। यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। तो जो कटरा वैष्णो देवी को रास्ता जाता है, माता वैष्णो देवी को, वो ये सामने है जहाँ पर बस खड़ी है, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो, मुझे तो दिख रही है भाई, वो बस खड़ी है सामने। यहाँ से जाता है रास्ता एक अपना कटरा को, कटरा माता वैष्णो देवी की तरफ को, और आगे दिखाएंगे हम एक रास्ता आगे से भी जाता है। भाई हमने रात को दिखाई थी आपको पंजाबी हवेली और मैडग्लैड, आज हम आपको दिन को दिखाएंगे जो सकेतर में है। ये सामने है मैडग्लैड की बिल्डिंग, ये सामने वाली, और उसके आगे है पंजाबी हवेली। ये है भाई मैडग्लैड, और आगे आ रही है पंजाबी हवेली, दिखा रहे हैं अभी हम आपको, ये पंजाबी हवेली है देख। जम्मू नरवाल बेमाल के सामने, और ये हमारा बेमाल, हमारा नहीं भाई, होगा तो जिसका बनाया उसी का, पर हम ऐसे बोल रहे हैं हमारा, क्योंकि जाते तो हम लोग ये देखने, हम तो गए नहीं कभी वैसे। तो जब्बा चाइनीज बहुत बार गया, गया तो बेमाल के अंदर कितनी बार? किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ? अच्छा, कौन है आपकी गर्लफ्रेंड? मैं बता दूं फिर, चल छोड़ यार क्या पता उठाना। हम आ चुके हैं अपने पंप पे जहाँ से हमने उस दिन डीजल डाला था, तो अभी आ रहा है हमारे हमको मिलने नासिर। तो लगाया ट्रांसपोर्ट पे फोन, माल तो कोई अभी बना नहीं है, जैसे कोई माल बनेगा फिर देखते हैं हम लोग कि कहाँ का लोड करेंगे। सोच रहे हैं कि कहीं बाहर ही लोड करें, यहाँ कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो चलो मिलते हैं अभी आपको नासिर आने पे, मिलाते हैं आपको नासिर से। आपको बोला था कि हम आपको नासिर से बुलाएंगे, चिकना बना हुआ है, गाड़ी के साथ नहीं जा रहा है, इस इंसान को कोई समझाओ यार कमेंट में, कम से कम इसको बोलो कि जाओ गाड़ी के साथ, जाओ भाई गाड़ी के साथ जाओ, काम करो, घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है, निकलो घर से बाहर। ये बंदा घर से बाहर नहीं निकल रहा है यार, कोई समझाओ इसको यार कुछ, मेरा भी काम डाउन हो रहा है इसके चक्करों में, बोलो कुछ भाई। भाई बोलो इसको कुछ, आप लोग कमेंट में बोलते हो नासिर को भी साथ लेके निकलो, कट्ठे निकला करो, ये बंदा निकल के राजी नहीं है एसी के आगे से, गर्मी क्या आई यार ये, मेरे लिए तो आफत आ गई है, ये चाहता नहीं है कि मैं काम करूं, रब का वास्ता निकल जा घर से। अभी मेरे को रिकॉर्डिंग भेज रहा है कि गाड़ी का ग्राहक आ रहा है, गर्मी आई तो ग्राहक आ रहा है, सर्दी आई तो गाड़ी खरीदने चले जाएगा, ये क्या काम करेगा ये पहला। चलो लगाते हैं इसके साथ गपशप, मिलते हैं अभी आप। भाई पहुंच चुके हैं हम जम्मू, 12:30 हो चुके हैं। तो ये हमारे नसीर भाई, एक साइड है नासर भाई, एक साइड है नसीर भाई। तो लोडिंग अभी कंफर्म नहीं हुई हमारी, ये गंजा बहुत तेज है, अपनी लोडिंग कंफर्म करके बैठा हुआ है, मतलब हमारे बैठे बैठे तीसरा चक्कर लोड कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है, खाली अपने पेट के बारे में सोचता, कोई बात नहीं, तेरे साथ बात करूँगा अगले चक्कर। तो चलो भाई अभी पियेंगे हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह,
आपको थोड़ी देर में। भाई हम जा रहे हैं अब घर को, अल्लाह आया मुझे लेने के लिए, हर बार यही आता है। तो ओ भाई कटना मारो, क्या बजे कर नहीं कर यार नहीं मैंने तो आ रहा यार पागल हो गए। बंदा मार रहा है काटे, ज्यादा डरा रहा है मुझे, कोई बात नहीं, मेरे ट्रक में बैठना, फिर मैं भी डराऊंगा इसको पटाल वाली साइड लेके। तो पहुंचने वाले अभी हम घर पे, दिखाते अपने घर वाला रोड, कितनी बार दिखाएंगे, बार बार वही दिखाएंगे। तो एक बार फिर से हमारा लोड श्रीनगर के लिए पक्का हो चुका है, मीर बाजार के लिए। तो इस बार हम आ रहे हैं मीर बाजार, तो दिखाते हैं अभी अपने घर वाला व्यू, दिखाएंगे नहीं यार। आ गए भाई हम घर पे, अब खाने लगे हैं खाना, खुद ही बनाए मैंने फुलके, लस्सी, चटनी। तो खाएंगे, आ जाओ, जिस जिसने खाना है वो आके खा सकता है। हाय फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 8:30। तो हमारी गाड़ी एक बार दोबारा लोड हो चुकी है कश्मीर के लिए, इस बार हम जा रहे हैं मीर बाज़ार तक की। जाहिद भाई ने गाड़ी लोड करवा के यहाँ पे बाहर निकाल के खड़ी कर दी, अब लड़का गाड़ी चलाना शुरू हो गया भाई। तो मिलते हैं अभी आपको, करते हैं इस ब्लॉग का आज यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ।